नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। तो याद रखना, ये आपके IAS PCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस तरह के हम लोग 31 टेस्ट पहले ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 32वां टेस्ट है। ठीक है, चलिए तो 32वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति विशेषताएं छदम ज्वालामुखी हैं? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति विशेषताएं छदम ज्वालामुखी हैं? लेपुलित गलत है, सिल ये भी आपका गलत है, ज्वालामुखी कुंड ये भी आपका गलत है, साल्ट प्लग सही है, कीचड़ ज्वालामुखी ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका 4 और 5 सही है, बाकी 3 गलत हैं। गैर ज्वालामुखी प्रकार की कुछ स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी का रूप प्राप्त कर लेती हैं और इसके कारण उन्हें 6 ज्वालामुखी आकृति कहा जाता है। इनमें निम्नलिखित आकृतियाँ शामिल हैं, उल्कापिंड ज्वालामुखी, साल्ट फ्लिप और मंड बोलकेनो, जो आपके लोपोलित, लेकोलित, बातोलित, सेल्स, डीवेक्स, अंतर्वेदी वाली ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो इसमें साल्ट प्लग और कीचड़ ज्वालामुखी, ये छदम ज्वालामुखी की आती हैं। तो इसमें था आपका 4 और 5। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ज्वालामुखी के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर मेखला में आते हैं, सही है। स्टोम्बोली और विसुवियस ज्वालामुखी मध्य अटलांटिक मेखला में स्थित हैं, ये आपका गलत है, केवल एक कथन आपका सही है। परी प्रशांत महासागरीय मेखला विश्व के ज्वालामुखी का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय मेखला में आपके आते हैं, इसमें अल्पाइन पर्वत श्रृंखला और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी तथा पूर्वी अफ्रीका के फाल्ट जोन में ज्वालामुखी शामिल हैं। इसमें भूमध्य सागरीय समुद्र के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, जैसे स्टोम्बोली, विसुवियस, एटना आदि। ठीक है, किसके हैं? भूमध्य सागरीय समुद्री के। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भूकंप के आघात की तीव्रता के मापक को रिएक्टर स्केल कहते हैं, गलत है। रिएक्टर स्केल को 1 से 12 तक की रेंज के अंतर्गत व्यक्त किया गया है, ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपके दोनों कथन गलत हैं। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापक रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापक के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। यह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बेनो गुटेनबर्ग के साथ साझेदारी में चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में विकसित की गई थी। 1935 में संशोधित जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तीव्रता मापक है आपका संशोधित मार्केली का तीव्रता मापक। तीव्रता मापक में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जैसे कि लोगों का प्रबोधन, फर्नीचर की गतिशीलता, चिमनियों को नुकसान और अंत में कुल विनाश।
इसमें घटना द्वारा दृश्यमान नुकसान को ध्यान में रखा जाता है। संशोधित मार्किली तीव्रता मापन की सीमा 1 से 12 है, ठीक है? तो इसमें दोनों कथन आपके गलत थे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 4, क्या है? भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए तरल माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। ये आपका गलत है। प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों से अधिक होती है, ये आपका सही है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें एक कथन आपका सही है, दो और तीन, सॉरी एक कथन गलत है, दो और तीन सही है। इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे यहाँ जो की पॉइंट दिए रहती हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, सही नहीं है या सही है। तो यहाँ पूछ रहा है इस क्वेश्चन में सही नहीं है, तो इसमें केवल एक कथन आपका सही नहीं है, बाकी दो और तीन सही है। प्राथमिक तरंगें ये लंबवत या संपीड़ित तरंगें होती हैं तथा ध्वनि तरंगों के सादृश्य होती हैं, जिसमें किरणों के संचरण की रेखा में कण आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलते हैं। ठोस पदार्थों में ये तेज गति से गुजरती हैं, यद्यपि ये तरल पदार्थों से भी गुजरती हैं, लेकिन इनकी गति धीमी हो जाती है तरल पदार्थ में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक कथन सही गलत था, दो और तीन सही था। याद रखिए इस तरह की जो भी आपकी PDF होती है टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड करती रहिए। क्वेश्चन है हमारा 5, क्या है? भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है? तो याद रखना, भूपर्पटी के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान साम्यावस्था को, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 6वां, क्या है? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचावल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फिलिंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस परिघटना से है? तो याद रखना, पृथ्वी का घूर्णन, 6वें में आपका सी होगा। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपों एवं महासागरों में वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो पूछ लेता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था इसका, तो या आपको याद रखना है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। क्वेश्चन है हमारा 7वां, अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, एटलस, फिर कैमरून और फिर आपका डेकिन्सबर्ग। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 8, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, ये आपका सही है। इरी ओंटारियो झील, इसके मध्य में नियाग्या जलप्रपात है, ये भी आपका सही है। मिसिसिपी यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है, ये भी सही है। कोलोराडो नदी, इस नदी पर करीबा बांध अवस्थित है, ये आपका गलत है। क्या है, ये आपका गलत है। जो आपका करीबा बांध है, एक करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर है, करीबा गोर्ज में, जम्बेजी नदी पर, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, 8वें में आपका डी ऑप्शन गलत होगा।
तो इसमें डी होगा, ठीक है, क्योंकि क्या पूछ रहा था, सही नहीं है पूछ रहा था सुमले, तो इसमें डी है। क्वेश्चन है हमारा 9वां, क्या है, निम्नलिखित जल संधियों को उनके द्वारा मिलाए जाने वाले जल स्रोतों के साथ सम्मिलित कीजिए। मलक, ये आपकी सूची एक में जल संधियां है और सूची एक में वो सागर हैं जिससे मिलती हैं। तो मलक्का जल संधि ए में है, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर से को मिलाती है, ठीक है, ए में आपका पहला सही होगा। फिर है आपका हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि आपकी फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को मिलाती है, ठीक है। फिर है आपकी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि आपकी भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर, और डोवर जल संधि आपकी इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो याद रखना, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी को, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। तो इसमें आपका कथन होगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 10वां, क्या है क्वेश्चन नंबर, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम मत्स्यन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं इस क्षेत्र में मिलती हैं, सही है। हेलीफैक्स, सेंट जॉन्स, बॉस्टन, न्यूयॉर्क क्षेत्र के प्रसिद्ध मत्स्य बंदरगाह है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है हमारा 11, विश्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह तब होता है जब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर लंबवत होता है, गलत है, केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाली देशों वाले देशों पर यह वर्ष में 2 बार होता है, ये भी आपका गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दोनों कथन गलत हैं। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच संचरण करता है, यह वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को, सुनिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को ऊर्ध्वाधर रूप से भूमध्य रेखा पर सीध में होता है। इसे हम लोग विषुव कहते हैं, विषुव कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में दिन और रात की लंबाई इस समय बराबर होती है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा पर से परे कभी भी सीध में नहीं होता है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के लिए वर्ष में 2 बार सीध में होता है। जिस दिन सूर्य कर्क रेखा के सीध में होता है वह है वर्ष का सबसे बड़ा दिन, यानी कि 21 जून कहलाता है, और जिस दिन सूर्य मकर रेखा के सीध में होता है वह वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर कहलाता है। 11 में आपका डी था। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। ये आपके मरुस्थल का नाम है और ये देश है, रब अल खली, रब अल खली ये आपका सऊदी अरब, दस्त ए लुत ईरान, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, गैप्सन ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है, फिर से एक बार बता देता हूँ, रब अल खली सऊदी अरब, दस्त ए लुत ईरान, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो आपको याद रखना है जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा। 13 का सी है, ठीक है। क्वेश्चन है 14, क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपकी छोटी प्लेटें हैं और इनकी अवस्थिति है। कोकोस प्लेट ये आपकी मध्य अमेरिकी और प्रशांत महासागर महासागरीय प्लेट के मध्य अवस्थित है, सही बात है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित ये भी है। अरेबियन प्लेट मुख्यतः सऊदी अरब का भूभाग है। फिलीपीन प्लेट एशियाई और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपके चारों सम्मिलित हैं, चारों कथन आपके सम्मिलित हैं, तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय सेल्फ की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? सागरीय अपरदन और जलीय निक्षेप, सही है। दीर्घकालिक स्थलीय निक्षेप, ये भी सही है। महाद्वीपीय सीमांत का अवतरण, ये भी सही है। भूमि के झुकाव के कारण महाद्वीपीय सीमांत का निगमन होना, ये भी सही है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपके चारों कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में डी होगा सही। क्वेश्चन है 16, सागर नीतल विसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सागर नीतल विसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक विवर्तनी की गतिविधि है जो मैग्मा के समवहनीय प्रवाह है के परिणाम स्वरूप घटित होती है, सही है। यह केवल अभिसारी प्लेट सीमा पर ही घटित होता है, यह आपका गलत है। इसमें आपका केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो दूसरे में सही क्या होगा, सुनिए। सागर नीतल फिसरण अब सारी प्लेट की सीमाओं पर होता है। सागर नीतल फिसरण अब सारी प्लेट की सीमाओं पर होता है, जैसा कि विवर्तनिक प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाती हैं। मेंटल की संवहनीय धाराएं भूपरपट्टी की अधिक सुघट और कम घनत्व वाली बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट कैमरून, माउंट किलिमंजारो, गलत है, एजोरस। तो इसमें 1 और 3 सही है, और जो आपका माउंट किलिमंजारो ये गलत है। माउंट किलिमंजारो आपका मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिसमें अक्सर विस्फोट होता रहता है या फिर हाल में ही उद्भेदन हुआ हो इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपके माउंट कैमरून है, एजोरस है, ठीक। और मृत ज्वालामुखी वैसे होते हैं जो ऐसे ज्वालामुखी जो अतीत में कभी नहीं उभरे हैं लेकिन ज्वालामुखी की विशेषता को धारण करते हैं। तो इसमें 1 और 3 सही था 17 में, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 18, रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। रिंग ऑफ फायर के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह घोड़े की नाल के आकार का एक वलय है
जो अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। सही है, यह अटलांटिक महासागर के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है। यह आपका गलत है, केवल एक कथन इसमें सही है। अग्निवलय प्रशांत महासागर के किनारे उच्च ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता। याद रखना, जो आपका रिंग ऑफ फायर है, यह आपका प्रशांत महासागर के किनारे उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है 19। भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव उत्पन्न होता है। सही है, एस तरंगें जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं उसमें उभार व गर्द बनाती हैं। ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 20, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? अफगानिस्तान आपका करता है, म्यांमार भी करता है, बांग्लादेश भी करता है। यहाँ याद रखना है, जो आपका अफगानिस्तान है, सबसे कम सीमा लगती है भारत की, इससे पीओके वाले हिस्से की लगती है। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद का हिस्सा है उसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और बांग्लादेश से आपकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की। उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ठीक है, और भारत के चीन, भूटान और नेपाल उत्तर में है, सुदूर पूर्व तक म्यांमार है, और पूर्व में आपका बांग्लादेश है, और जो आपका श्रीलंका है, पाल पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही थे, डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 21। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गलत है, पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरी पहाड़ियों से बना है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये आपका सही है, इसमें एक कथन आपका गलत है, दूसरा सही है। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम सिरों पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट जो है आपका ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, ना कि आपका पूर्वी घाट ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है। ठीक है, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई में तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, याद रखना। ठीक, तो इसमें आपका 21 में केवल दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रामगंगा, कोसी, सोन गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सही है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपू के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका सही है, तो इसमें आपके दोनों कथन सही है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं इसमें यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोनगंगा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें क्या था, सी। क्वेश्चन है हमारा 23, भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे आमतौर पर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, भूमि से समुद्र की ओर गति करता है। सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे ग्रीष्म मानसून के रूप में जाना जाता है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद
समुद्र से भूमि की ओर गति करता है। ये भी सही है। उत्तर पूर्व मानसून से देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा होती है। आपका गलत है, एक और दो सही है, तीसरा आपका गलत है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा लाता है, ना कि उत्तर पूर्व मानसून। कौन लाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून देश में वर्ष के दौरान अधिकांश वर्षा लाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका एक और दो कथन सही था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका 24, शक योग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधिकारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? भारत का राजपथ सही है, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर, जनता को संबोधित सरकारी संचार। 24 में आपके चारों कथन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। शक योग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक, इसका पहला जो माह होता है वो आपका चैत का होता है। क्वेश्चन है हमारा 25, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। सही है, इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। ये आपका गलत है, इसमें केवल आपका एक कथन सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके तीन क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जो उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी में है। ठीक है, उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो चलिए, ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, प्रीलिम्स के लिए होंगे। ठीक है, इसी तरह के आगे भी हम लोग क्वेश्चंस देखते रहेंगे।